नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज के दौर में हर व्यक्ति व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि इसका कैसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर किस मैसेज को नहीं भेजना चाहिए और मैसेज को भेजते वक्त किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो आप लाल घर भी पहुँच जाएंगे। भड़काऊ मैसेज को कभी ना भेजें। व्हाट्सएप पर किसी भी फिल्म की पायरेसी का लिंक और पैसा डबल करने की स्कीम नहीं भेजें, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप पर डराने धमकाने के साथ अश्लील मैसेज बिल्कुल ना भेजें, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। दरअसल अगर आपके मैसेज को आधार बनाकर कोई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा देता है तो आपको जेल तक हो सकती है। ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने पर हो सकती है जेल। व्हाट्सएप पर किसी भी भड़काऊ और दंगे भड़काने जैसे मैसेज के अलावा व्हाट्सएप पर किसी को भी आत्महत्या के लिए ना उकसाएं। ऐसे किसी मैसेज को ना ही व्हाट्सएप पर लिखें और ना ही उसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि यह अपराध के दायरे में आता है। आईपीसी की कई धाराओं के तहत ऐसे गलत मैसेज भेजने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही मैसेज फॉरवर्ड करने वाले को समान दोषी मानते हुए बराबर सजा का प्रावधान है। मद्रास हाईकोर्ट ने साल 2018 के अपने फैसले में कहा था कि गलत मैसेज फॉरवर्ड करना और स्वीकार करना दोनों गलत है। गलती से भी ना बताएं फेक अकाउंट। व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को परेशान करने का काम ना करें। फेक अकाउंट से लोगों को परेशान करने वालों को अपराध के दायरे में माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके फेक अकाउंट के खिलाफ शिकायत करता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। बल्क मैसेज कभी ना भेजें। बल्क मैसेज यानी कई सारे ग्रुप मैसेज बनाकर उसमें सैकड़ों लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन बल्क ग्रुप से हजारों मैसेज भेजने पर न सिर्फ आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा बल्कि आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है। बल्क मैसेज व्हाट्सएप पॉलिसी के खिलाफ माना गया है। व्हाट्सएप लर्निंग मशीन की मदद से बल्क मैसेज भेजने वाले अकाउंट की पहचान की जाती है, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सॉफ्टवेयर हैक करने की कोशिश ना करें। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो भूलकर भी ये गलती ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश को गंभीर अपराध माना गया है। व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर हैक करने पर कंपनी आपके खिलाफ लंबा लीगल नोटिस भेज सकती है। बहरहाल कोई भी मैसेज भेजने से पहले ज़रूर देख लें कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं वह दूसरे व्यक्ति या समाज के खिलाफ तो नहीं है, वरना आप लाल घर पहुँच सकते हैं। लाइव सिटीज़ की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।